टॉपिक है मियोसिस। आज की क्लास में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में माइटोसिस के बारे में अध्ययन किया था। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है एंड उसकी कौन कौन सी फेजेस थी एंड इम्पोर्टेंस क्या था, उन सभी के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस क्या है, कौन कौन सी इसकी प्रावस्थाएं हैं व इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मियोसिस, सन अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिप्लॉइड्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाला वह डिवीजन जिसके फलस्वरूप प्रत्येक लैंगिक पीढ़ी में सेक्सुअल जनरेशन में क्रोमोसोम की संख्या आधी या हैप्लॉइड रह जाती है, मियोसिस कहलाता है। मियोसिस की क्रिया में डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार डिप्लॉइड सेल से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस डिवीजन में डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स का या चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। एंड जो इसकी प्रोसेस है, म्यूसिस की प्रोसेस में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का दो बार विभाजन होता है। तो इस प्रकार म्यूसिस के टू पार्ट्स हैं। पार्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इस प्रकार मियोसिस के दो भाग हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का अध्ययन करने के लिए इसे निम्न प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इसमें भी मियोसिस फर्स्ट में भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का ये टू फेज में कंप्लीट होता है। टू फेज में कंप्लीट होता है, टू फेज में कंप्लीट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड जो अपन जो ये पढ़ रहे हैं मियोसिस पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन स्टडी प्लांट्स उसका अध्ययन करेंगे। ऑनियन, सॉरी, जिया मैच एंड ऑनियन के तरुण पराग कोशों में,
करोड़ पराग कोषों में। मियोसिस फर्स्ट इसके ये टू फेज में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक लंबी प्रावस्था है, इसको भी इसका अध्ययन करने के लिए चार प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट। तो इस प्रकार कैरियोकाइनेसिस का अध्ययन करने के लिए निम्न चार प्रावस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या है? प्रोफेज फर्स्ट को भी निम्न उप प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लैक्टोटीन, जायगोटीन, डिप्लोटीन, जायगोटीन सॉरी पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। इस प्रकार प्रोफेज फर्स्ट का अध्ययन करने के लिए भी इसे निम्न उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, लैक्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैक्टोटीन के बारे में। ये लैक्टोटीन का उप प्रावस्था का डायग्राम है। ये केंद्रक है, केंद्रक के आयतन में वृद्धि के कारण केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। कौन सी प्रावस्था में? लैक्टोटीन के अंदर, लैक्टोटीन सब फेज के अंदर। एंड जो क्रोमोसोम होते हैं वो पतले एवं लंबे होते हैं। इन क्रोमोसोम के ऊपर मोती के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। एंड जो क्रोमोसोम होते हैं इसे न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में फैले रहते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस में फैले रहते हैं। कभी कभी जो क्रोमोसोम होते हैं आधे न्यूक्लियस में जमा हो जाते हैं एंड जो आधा भाग होता है वो खाली रहता है। उस प्रक्रिया को सिंजाइसिस कहते हैं। लैक्टोटीन। न्यूक्लियस आयतन में वृद्धि के कारण, ग्रोथ के कारण साइज बढ़ जाता है। एंड क्रोमोसोम पतले व लंबे होते हैं, लंबे सूत्र होते हैं। इन क्रोमोसोम पर अनेक मोती के समान पाई जाती है, अनेक संरचनाएं मोती के समान संरचनाएं पाई जाती है।
जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। इस प्रकार लेप्टोटिन सब फेज हो चुकी है, अब पढ़ेंगे जायगोटिन। जायगोटिन सब फेज के अंदर, जायगोटिन उपरावस्था में दो मुख्य क्रियाएं होती है। फर्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर बनना, सेकंड है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। सेकेंड प्रावस्था है, उपप्रावस्था है जायगोटिन। इस उपप्रावस्था में दो मुख्य क्रियाएं होती है। फर्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर बनना, सेकंड है क्रोमोसोम पेयर के बीच क्रोमोसोम पेयर के बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इस प्रकार जायगोटिन सबफेज में दो क्रियाएं होती है, मुख्य मुख्य दो क्रियाएं होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर बनना एंड जो क्रोमोसोम पेयर के बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट उपप्रावस्था है पैकेटिंग, पैकेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैकेटिंग पैकेटिंग उपरावस्था तब स्टार्ट होती है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर बनना कंप्लीट हो चुके होते हैं, तब यह प्रावस्था स्टार्ट होती है। इस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। तो सबसे पहले जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं जो आपस में लिपट जाते हैं, लिपट कर संघनित तो होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं। कंडेंस्ड होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं। इस प्रावस्था के मध्य में, इस प्रावस्था के मध्य में क्रोमोसोम की संख्या न्यूक्लियस में आधी रह जाती है। इस उपप्रावस्था के मध्य में प्रावस्था के मध्य में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। एंड जो बाइवेलेंस होते हैं, बाइवेलेंस का प्रत्येक सदस्य विभाजित होकर, बाइवेलेंट का प्रत्येक सदस्य विभाजित होकर दो क्रोमेटिड्स बनाता है, अतः जो बाइवेलेंट था वो टेट्रावेलेंट के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रत्येक बाइवेलेंट का सदस्य
एक सदस्य विभाजित होकर दो क्रोमेटिड बनाता है। जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अतः बाइवेलेंट अब टेट्रावेलेंट के रूप में दिखाई देता है, टेट्रावेलेंट के रूप में दिखाई देता है। एंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जिससे जिसके फलस्वरूप क्रोमेटिड खंडों के टूटने व पुनः जुड़ने से एक क्रॉस रूपी आकृति बनती है, जिसे क्याज्मेटा कहते हैं। इसके पश्चात दो नॉन होमोलॉगस के बीच क्रॉसिंग आवर होता है, क्रॉसिंग आवर होता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमेटिड खंडों टूटने तथा पुनः दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ने से एक क्रॉस रूपी आकृति बनती है, क्रॉस रूपी आकृति बनती है। क्याज्मेटा कहते हैं, क्याज्मेटा कहते हैं, जिसे क्याज्मेटा कहते हैं। क्याज्मेटा की जो संख्या होती है वो क्रोमोसोम की लंबाई पर निर्भर करती है। एंड जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियोलस सॉरी, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होती है वो अभी भी इसमें दिखाई देती है या इसमें प्रेजेंट होती है। अगली प्रावस्था है डिप्लोटीन, अगली प्रावस्था है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन टेट्रावेलेंट इसमें इस उपरावस्था में टेट्रावेलेंट और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। टेट्रावेलेंट और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। टेट्रावेलेंट दोनों क्रोमोसोम के बीच
प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है जिससे क्रोमोसोम जिससे टेट्रावेलेंट के क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा इनके पश्चात इन क्रोमोसोम के जो टेट्रावेलेंस होते हैं टेट्रावेलेंस के क्रोमेटिड्स के ऊपर क्रोमेटिड चढ़ जाता है। इन क्रोमेटिड्स पर मैट्रिक्स चढ़ जाता है मैट्रिक्स चढ़ जाता है जिससे अलग नहीं हो पाते हैं तथा इस प्रावस्था के अंत में इस उपप्रावस्था के अंत में टर्मिनलाइजेशन के द्वारा क्याजमेटा समाप्त हो जाता है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार डिप्लोटिन उपरावस्था के बारे में टेट्रावेलेंट होते हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं इससे उपरावस्था में डिप्लोटिन उपरावस्था में टेट्रावेलेंट के दोनों क्रोमोसोम के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है जिससे टेट्रावेलेंट के जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिड्स होते हैं और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। टेट्रावेलेंट के क्रोमेटिड क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन क्रोमेटिड्स पर मैट्रिक्स चढ़ जाता है जिससे अलग नहीं हो पाते हैं तथा इस उपरावस्था के अंत में टर्मिनलाइजेशन के द्वारा क्याजमेटा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस एंड इस उपरावस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। डाइकाइनेसिस डाइकाइनेसिस इस उपप्रावस्था में इस उपप्रावस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं क्याजमेटा अदृश्य हो जाता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाते हैं समाप्त या अदृश्य हो जाती है। स्पाइनल अपरेटस बनना इसमें जो स्पाइनल अपरेटस होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं बनना शुरू हो जाते हैं स्पाइनल अपरेटस बनना शुरू हो जाते हैं एंड जो टेट्रावेलेंस मध्य रेखा पर जमा हो जाते हैं। टेट्रावेलेंट मध्य रेखा पर जमा हो जाते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं वो और अत्यधिक संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं क्रोमोसोम संघनित होकर कंडेंस होकर
अगली प्रावस्था है मियोसिस फर्स्ट की, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस अदृश्य हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाते हैं, तथा जो टेट्रावेलेंस होते हैं, टेट्रावेलेंस मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। टेट्रावेलेंट मध्य रेखा पर अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। टेट्रावेलेंट के दोनों क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर स्पाइंडल के टेक्टाइल फाइबर से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के पश्चात इनमें प्रतिकर्षण और बढ़ जाता है, जिससे जो क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर दूर की ओर एंड जो आर्म्स होती है मध्य रेखा की ओर होती है। नेक्स्ट प्रावस्था है एनाफेज फर्स्ट। प्रतिकर्षण बढ़ने से बायवेलेंट के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं। प्रतिकर्षण बढ़ने से दोनों बायवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तथा विपरीत ध्रुवों पर गमन करने लगते हैं। विपरीत ध्रुवों पर गमन करने के पश्चात इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है आधी रह जाती है। विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार एनाफेज है, प्रतिकर्षण बढ़ने से दोनों बायवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तथा विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। पहले मेटाफेज प्लेट के ऊपर इक्वेटोरियल प्लेट के या मध्य रेखा पर व्यवस्थित थे, अब मध्य रेखा से दूर होकर विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n से हैप्लोइड रह जाती है, 2n से हैप्लोइड या द्विगुणित से अगुणित रह जाती है। नेक्स्ट प्रावस्था है टीलोफेज।
टेलोफेज फर्स्ट। इस प्रावस्था में क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं, कंप्लीटली विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात ये क्रोमोसोम पतले, लंबे, नॉन कॉलर होते हैं। विपरीत ध्रुवों पर क्रोमोसोम नॉन कॉयलर पतले व लंबे होते हैं। तथा दोनों ध्रुवों के स्थान पर दो केंद्रक बन जाते हैं, इन केंद्रकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। तथा इसी के साथ तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस पुनः दिखाई देते हैं, इस प्रकार ये टेलोफेज फर्स्ट हो चुकी है। इस प्रावस्था के पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है, कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस होता है, कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जिन सेल्स में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो केंद्रक होता है न्यूक्लियस मियोसिस सेकंड में पहुंच जाता है। तो हम मियोसिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस सेकंड में न्यूक्लियस निम्न चार प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज सेकंड की। प्रोफेज सेकंड इस प्रावस्था में न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब होने लगता है एंड जो क्रोमेटिड है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रावस्था के अंत में न्यूक्लियस के स्थान पर स्पाइनल एपरेटस बन जाते हैं, न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब होने लगता है एंड क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं एंड इस फेज के अंत में न्यूक्लियस के स्थान पर स्पाइंडल बन जाते हैं, स्पाइंडल अपरेटस बन जाते हैं। अगली प्रावस्था है मेटाफेज सेकंड के अंदर क्रोमोसोम मध्य रेखा के ऊपर व्यवस्थित होकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं।
क्रोमोसोम अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर अरेंज होकर व्यवस्थित होकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इससे नेक्स्ट है एनाफेज सेकेंड। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है मध्य रेखा पर व्यवस्थित हैं। अब बात करते हैं एनाफेज सेकेंड की। एनाफेज सेकेंड एनाफेज सेकेंड प्रत्येक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर गमन करना शुरू कर देते हैं। तथा इस प्रावस्था के अंत में एक एक क्रोमेटिड इस प्रावस्था के अंत में तथा इस प्रावस्था के अंत में इस फेज के अंत में इस फेज के अंत में एक एक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम थे मध्य रेखा के ऊपर हैं, लेकिन एनाफेज के अंदर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अगली प्रावस्था है टेलोफेज सेकेंड। टेलोफेज सेकेंड विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित पुत्री गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं। विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र पुत्री गुणसूत्र या डॉटर क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम पतले व लंबे धागे जैसे दिखाई देते हैं। धागे जैसे थ्रेड लाइक धागे जैसे दिखाई देते हैं। जिनके चारों ओर इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जिनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस इस प्रावस्था के अंत में न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगता है। इसमें इस फेज में इस फेज के अंत में या इस फेज में न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है देने लगता है न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगता है न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगता है। प्रत्येक ध्रुव पर एक एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक ध्रुव पर
एक एक केंद्रक, एक एक न्यूक्लियस बन जाता है, एक एक न्यूक्लियस बन जाता है। तो इस प्रकार जो न्यूक्लियस है उनमें क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जैसे डिप्लोइड थी तो हैप्लोइड रह जाती है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। मियोसिस सेकंड के पश्चात सेल प्लेट विधि द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। मियोसिस सेकंड के पश्चात सेल प्लेट मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप चार डॉटर सेल्स का निर्माण, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस। यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है। यह है विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस विभाजन के एब्सेंट में जीवों में पॉलीप्लोइडी उत्पन्न हो जाती है। इस विभाजन की एब्सेंट में यह विभाजन न होने पर, यह विभाजन न होने पर जीवों में पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है। इस विभाजन से जीवों की संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित रहती है। इस विभाजन द्वारा जीवों की संततियों में या डॉटर्स में क्रोमोसोम की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। इस प्रकार इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है
ये विभाजन न होने पर जीवों में पॉलिप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है। इस विभाजन से जीवों की डॉटर्स में संततियों में क्रोमोसोम की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है।